तो गाइस रिसेंटली राजवीर सिसोदिया रिएक्ट करते हैं उन सभी लोगों पे जो लोग उनको गलत गलत कमेंट करके और गलत गलत गालियां दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने एजाज खान के साथ रिसेंटली कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आप लोग को पता ही होगा। अब कॉम्प्रोमाइज तो इन्होंने कर लिया वो तो ठीक था, पर इन्होंने एजाज खान से गले मिले, इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो गई। मतलब भाई राजपूतों का नाम खराब कर दिया, ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं राजवीर सिसोदिया का। तो इसी पे राजवीर सिसोदिया रिएक्ट करते हैं और बोलते हैं के बारे में जिन्होंने अपने आप को समाज का और हिंदू धर्म का ठेकेदार खुद नियुक्त कर लिया है बिना कुछ लाइफ में करे, कमरे में बैठ के चार डायलॉग मार के। उनको ऐसे लगता है कि मैंने एजाज खान को गले क्यों लगाया। भाई मेरा क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि सामने से कोई भी इंसान अगर आपको झुके मिल रहा है, निहत्ता है, तो उसके ऊपर ना तो वार करना और ना ही उसका अपमान करना। भाई हम मुंबई गए, हमने मुंबई में बैठ के ये बोला कि जिसमें दम हो, मैं अकेला गया, मैंने कहा जिसमें दम हो वो मेरा बाल उखाड़ना छोड़ो, बाल छू के भी दिखा देना। उसके बाद भी वो आदमी गाड़ी से उतरते ही मेरे गले लग रहा है तो मैं तो गले लगाऊंगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। कोई इंसान सामने से झुक के मिल रहा है, गले लग रहा है, तो मैं उसे गले ही लगाऊंगा। और जो ये कह रहे कि गले लगा लिया, क्यों लगा लिया, कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लिया, भाई उसने सारे ठाकुरों को गाली दी। तो भैया जब तुम कहां थे, जब मैं मुंबई जा रहा था, अगर तुम राजपूत समाज के ठेकेदार थे तो तुम मुझे भाई फोन करते और ये बोलते कि राजवीर भाई तुम दिल के थोड़े सॉफ्ट आदमी, कोई तुमसे ढंग से प्यार से बात करता तुम पिघल जाते हो। और उसने ऐसे ऐसे बोला और पूरे समाज को बोला है, तो तुम मुझे फोन करते कि हम भी तेरे साथ चलेंगे। जब तो तुम भाई कोई नहीं आया कि अगर राजवीर मुंबई जा रहा तो उससे लड़ने जा रहा, या तो पिट के आएगा या बेइज्जती करवा के आएगा, तुम्हें ये उम्मीद थी नहीं, ठीक। फिर तुम वीडियो बनाने की ताक में बैठे थे, तो भाग के आ जाएगा या पिट के आ जाएगा। भाई दूसरे के एरिया में, दूसरे के स्टेट में जाके, दूसरे के शहर में जाके कैसे रोला जमा लेगा कोई। तुम्हें यह था कि भाई कुछ भी होगा हम बैठ के वीडियो बनाएंगे घर बैठ के, बस ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो भैया जब तुम कहां थे, अगर तुम्हें ऐसे लग रहा था पूरे समाज को उसने बोला, तुम मुझे फोन करके बोलते कि भाई हम भी चलेंगे, हम मारेंगे उसे, तब तो तुम्हारी गांड में दम हुआ नहीं, गांड कमरे में बंद हो गए, क्योंकि डायलॉग मारने का काम है तुम्हारा, बंद हो गए कमरे में। तब किसी का फोन नहीं आया मुझे कि भाई इसने पूरे समाज को बोला हम भी तेरे साथ चलेंगे, हम भी टिकट करवा रहे हैं, बता कब जा रहा, हम भी चल रहे हैं। अब यहाँ घर बैठ के बातें छोड़ने में एक नंबर लग रहे हैं, मतलब पूरा समाज सपोर्ट में और हमेशा रहा है मेरे। तो खैर भाई मुझे राजपूत समाज के लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है,